ये ग्राउंड में देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी बम्मा लगी हुई है जिसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा पाइप लगा हुआ है, तो उसके अंदर हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है और हल्का हल्का ठंडा भी फील हो रहा है इसके अंदर। और हम आपको ये बता दें कि इन्फॉर्मेशन के लिए कि इस कॉलेज में एडमिशन के लिए 2022 में अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए एक BECEC का फॉर्म आता है, उसको फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप इंट्रेंस एग्जाम में अच्छे रैंक लाने के बाद इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और इस कॉलेज में जो पढ़ाई होती है मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी और साइंस वालों की होती है। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम नए नए वीडियो इसी तरह के लाते रहते हैं। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम आपसे एक बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग जगहों का टूर कराने वाले हैं। हम आपको घुमाने वाले हैं भागलपुर का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो आपको घुमाने वाले हैं। तो अभी हम पहुंचे स्टेशन के पास और यहां से चलते हैं सीधे कॉलेज के पास और आपको हम कॉलेज दिखाते हैं कि भागलपुर का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो किस तरह का है और भागलपुर अभियंता कॉलेज का नज़ारा दिखाएँ किस तरह का। हमारे साथ हमारे पीछे के हम मुख्य द्वार पे खड़ा हैं भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास और चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका एस्टेब्लिश हुआ था 1960 ईस्वी में। तो चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। और कॉलेज के अंदर प्रवेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ का नज़ारा किस तरह का है और देखिए इस इधर का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और इधर जैसे कि लग रहा है पूरा एकदम बगीचा टाइप का और बहुत बड़ा बड़ा पेड़ भी इस साइड लगा हुआ है। और आगे चलते हैं आपको और धीरे धीरे चलते हैं कॉलेज की ओर और कॉलेज के पास जाकर दिखाते हैं कि इस कॉलेज के कैंपस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहें भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का नज़ारा। एक यूको बैंक भी है और इस भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एक यूको बैंक भी है। सामने दिख रहा होगा आपका कॉलेज और यहाँ से आपको नज़ारा पूरी दिखाने की कोशिश करेंगे भागलपुर का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है। देख सकते हैं इसका कितना बड़ा कैंपस है और इस साइड देख सकते हैं एक सामने तालाब है जिसमें पानी भी है और तालाब का जो पौधे होते हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं। और इसके आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं और इसकी स्थापना हमने आपको बताया 1960 में हुई है। तो इसके आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि भागलपुर का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। तो हमने आपको जो कॉलेज था उसका फ्रंट से दिखाया और आपको हम बैक से दिखाते हैं कि इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हमारे साथ बने रहे और देख सकते हैं एक ये जो है ये SBI बैंक का ये बिल्डिंग है और चलते हैं आगे क्या क्या चीज़ें वो अभी देखते हैं। तो आपको कैसा लगा ये हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं हम अपने वीडियो के माध्यम से। और देख सकते हैं यहाँ कितने बड़े बड़े बिल्डिंग हैं और यहाँ पे जो आपको इन मुख्य रूप से बताते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले का क्लास यहाँ पर होता है इस इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। देख सकते हैं ये कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। ये कॉलेज के पीछे साइड में देख सकते हैं एक प्लेग्राउंड फील्ड भी है जो कि फील्ड का नज़ारा इस तरह से है। और यहाँ पे एक कैंटीन भी है जो कि आपको हम दिखाएंगे, वो कैंटीन है सामने जो दिख रहा है। यहाँ से देखिए भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का नज़ारा किस तरह का है एक बार फिर से और आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे जहाँ पे हम हैं। और सामने आप देख सकते हैं एक वर्कर रूम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला का है, वो लोग यहाँ पर आते होंगे वर्क कुछ करते होंगे कुछ सीखते होंगे। और चलते हैं आगे आपको दिखाते हैं। और अभी हम चल रहे हैं कॉलेज की दूसरी साइड से और देखते हैं इधर क्या क्या चीज़ें हैं और देख सकते हैं नज़ारा कैसा है। और देखिए यहाँ का बिल्डिंग किस तरह का है, कितना सॉलिड लग रहा है देखने में, एकदम झक्कास। शायद ये हॉस्टल होगा, मुझे पता नहीं कंफर्म क्या है ये, पर बहुत आकर्षक लग रहा है। इसका गेट इस साइड से है, देख सकते हैं किस तरह का हॉस्टल यहाँ का है भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। और ये है बॉयज़ हॉस्टल, देख सकते हैं किस तरह का है। और वो जो नया बन रहा था वो गर्ल्स का है शायद, सामने दिख रहा वो है गर्ल्स हॉस्टल। और देख सकते हैं ये जो नया हॉस्टल बन रहा है इस हॉस्टल का नज़ारा किस तरह से है और कितनी विशाल लग रहा है ये बिल्डिंग। और इस बिल्डिंग के अंदर कितने रूम होंगे हम बता तो नहीं सकते, अगर आप लोग बता सकते हैं तो बता सकते हैं। और इसके साइड में ये पुराना बॉयज़ हॉस्टल देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा है इंजीनियरिंग कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल का नज़ारा।
और इसके साइड में है इंजीनियरिंग कॉलेज की जो गर्ल्स लोग रहती है, गर्ल्स हॉस्टल इस तरह का है। इंजीनियरिंग कॉलेज के साइड में एक गंगा जी है जो कि हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह का नज़ारा है और किस तरह का यहाँ का व्यू आता है, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अधिक मात्रा में ये बम लगा हुआ है, जिसको बम्बाई बोलते हैं हम लोग अपने ठेठी भाषा में, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, जो भी हो। और पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जाता है, देख सकते हैं कितनी मात्रा में यहाँ पर लगा हुआ है। ये ग्राउंड में देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी बम्मा लगी हुई है, जिसको बहुत बड़ा बड़ा पाइप लगा हुआ है, तो उसके अंदर हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है और हल्का हल्का ठंडा भी फील हो रहा है इसके अंदर। और इसके अंदर हम बाहर निकलते हैं और देख सकते हैं ये बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर रखा हुआ है इस तरह का, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज के प्लेग्राउंड फील्ड में रखा हुआ है। अभी हम पहुँचे हैं गंगा के तट के सामने, जो कि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के साइड में ही है। तो आपको हम दिखाते हैं कि कैसा नज़ारा यहाँ का, कितना अमेजिंग व्यू है। तो देखिए गंगा जी का नज़ारा किस तरह का है, और ये भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के साइड में ही है। आप यहाँ का भी आनंद ज़रूर ले आके, अगर आप इस कॉलेज में पढ़ते होंगे या फिर यहाँ पे अगर कभी विजिट करें इस कॉलेज को, तो यहाँ का भी नज़ारा ज़रूर है। और आपको दिख रहा होगा नाव, दिख रहा होगा सामने एक नाव दिख, और यहाँ से आपको बराड़ी पुल भी दिख रहा होगा, जो कि देख सकते हैं वही रहा सामने दिख रहा, हल्का हल्का दिख रहा है, छोटा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये अमेजिंग व्यू कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसका आनंद आप अच्छे तरीके से लीजिए। आपको जो यहाँ से दिख रहा है इतना बड़ा एरिया, ये पूरा एरिया भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ही आता, और देख सकते हैं कितना बड़ा कैंपस इसका है। और इसमें क्या क्या चीज़ें था हमने आपको दिखाया भी, और जो बचा हुआ वो भी हम आपको दिखाते हैं। कॉलेज के ऊपर वाले छत पे आप देख रहे होंगे कि बहुत मात्रा में सोलर प्लेट भी यहाँ लगा हुआ है, इसकी भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। ये पूरा नज़ारा हम आपको कॉलेज के पीछे से दिखा रहे हैं, और देख सकते हैं कॉलेज के पीछे से किस तरह का नज़ारा है। कॉलेज के चारों साइड से इस तरह का रास्ता बना हुआ है, और पूरी कॉलेज को आप चल सकते हैं इस रास्ते के साथ, और कॉलेज को पूरी तरीके से इंजॉय ले सकते हैं, और पूरी कॉलेज को आप घूम सकते हैं इस रास्ते से। कॉलेज के चारों साइड से इस तरह का रास्ता बना हुआ है, और यहाँ पे खेल होता है कबड्डी वबड्डी, क्योंकि ऐसा ही कुछ बना हुआ है। हमने जिस गेट से एंट्री लिया था वो उस साइड से, वो फर्स्ट गेट एंट्री था, और हम यहाँ से अब निकलते हैं सेकेंड गेट की ओर से, और हमने आपको पूरी कॉलेज दिखा दिया। और ये लैब रूम है, यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल कैडेट कोर, यहीं पे इसकी कराई जाती है ट्रेनिंग व्रेनिंग जो भी हो, और उसका रूम यहीं पर है नेशनल कैडेट कोर का, देख सकते हैं आप। जो जो चीज़ें थी भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर वो हमने आपको दिखाया, और हम अब यहाँ से चलते हैं बाहर की ओर, जो कि पहले हमने एंट्री किया था फर्स्ट गेट से, और सेकंड गेट से अब हम बाहर निकलते हैं। तो आपको हम सेकंड गेट भी दिखाएं किस तरह का वहाँ का नज़ारा है। कॉलेज के अंदर आप देख सकते हैं एक ये भी है कॉमन एक्टिविटी सेंटर, और ये जो है ये साइड में है, सेकंड द्वार के साइड में है, और यहाँ से हम चलते हैं बाहर की ओर, और सामने दिख रहा होगा सेकंड द्वार, ये देख सकते हैं कितनी लंबी लंबी यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, बहुत आकर्षक लग रहा है, और विशालकाय में पेड़ यहाँ पे है। सेकंड गेट का नज़ारा देखिए किस तरह का, और अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों हमने आपको भागलपुर का जो इंजीनियरिंग कॉलेज था वो हमने आपको दिखाने की कोशिश किया, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भागलपुर का जो इंजीनियरिंग कॉलेज था वो आपको कैसा लगा। और हम आपको ये बता दें कि इन्फॉर्मेशन के लिए कि इस कॉलेज में एडमिशन के लिए 2022 में अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए एक BECEC का फॉर्म आता है, उसको फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप इंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे रैंक लाने के बाद इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और इस कॉलेज में जो पढ़ाई होती है मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी और साइंस वालों की होती है, ऐसे डिपार्टमेंट जो था हमने आपको दिखाने की कोशिश किया। तो अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम नए नए वीडियो इसी तरह के लाते रहते हैं।